हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कभी हुजूर की शान में गुस्सा की, कभी वो छोटा वसीम रिजवी कुरान की आयतों में बकवास करता है, कभी अमीश देखवन हरामदारी का बात करता है। अरे मेरे कौम के मुस्लिम जवान नौजवानों, हिंदुस्तान वालों, असल हरामी तो है गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया जो एंकरिंग करता है और हिंदू मुसलमान लड़ाई कराता है, ये असल दुश्मन है। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये चंद नपुंसक बैठ के हिंदू मुसलमान का फसाद कराते हैं, लेकिन इनकी डोर किन के हाथ में है? इनके सर पर किसके हाथ में है ये डोर? बजाना मत, नारे लगाते रहना। उस चौकट से उतरकर यूं मैं बात कर रहा हूं कि उस चौकट के तकद्दुस पामाल ना हो, उसको मलूजे खातिर रखते हुए मैं यहां आया हूं, क्योंकि चंद बातें वो हैं जो करना बहुत जरूरी है। बेशक अभी मैं अपनी तकरीर शुरू नहीं कर रहा हूं, चंद अशार के साथ। कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, और कब कोई बला सिर्फ दुआओं से कली। दो हक व सदाकत की शहादत सरे मक्तल, दो हक व सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो के यही वक्त का फरमाने जली है। हम रहा रवे दश्ते वफा रोजे अजल से, हम रहा रवे दश्ते वफा रोज अजल से, और काफला सालार हुसैन इब्न अली, और काफला सालार हुसैन इब्न अली। अब मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूं। मैं कभी लिख के पढ़ता नहीं हूं, लेकिन मैंने दो तीन पॉइंट लिख लिए कि भूल ना जाऊं। मैंने पहली प्रोटेस्ट मरहूम माजिद पहलवान साहब के साथ 87 में की थी। ये मेरा 34वां साल है, और ये गरीब नवाज का करम है कि हर प्रोटेस्ट में मुझे आगे रखा है। और कभी शहादत का मामला हो तो मुझे भी आगे रख लेना हुजूर गरीब नवाज। तुम्हें देख के भूला खामोश रहे, तुम्हें देख के थूका तुम खामोश रहे, तुम्हें देख के टल्ला मारा तुम खामोश रहे, तो फिर तो भाई गिरेबानी पकड़ा जाता है, फिर तो गिरेबानी पकड़ा जाता है। हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए, हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए, हम तो दिल तक जाते थे तुम तो जा तक आ गए। तुमने जिस गिरेबान पे हाथ डाला है ना, तो ये बात ध्यान रखना, करबला भी हमारे सामने है, बदर हुनैन भी हमारे सामने है, खंदक भी हमारे सामने है, और खैबर भी हमारे सामने है। एक बात और कह दूं तमाम दरगाह और खानकाहों के लोगों से कि विलायत मौला अली का के घर से शुरू हुई है, चाहे वो शजरा नसब हो या शजरा तरीकत हो, लेकिन सिर्फ हाथ चुमाने का नाम मौलाइयत नहीं है, ना नारे लगाने का नाम मौलाइयत है, या सिर्फ फाता दुरूद तक महदूद रह जाने का नाम मौलाइयत है। मौलाइयत नाम है दश्ते करबला का, मौलाइयत नाम है खानकाहियत नाम है निजाम खानकाही नाम है बद्र हुनैन का, खंदक का, खैबर का। बात इतनी सी है कि हमें डरा के रख दिया। उलमा तो इस वक्त रोल प्ले कर रहा है। देखिए दो चीज होती है, दीन और मिल्लत। दीन अल्लाह और उसके रसूल से, मिल्लत जो उसके मानने वाले हैं, मिल्लत इस्लामिया।
जब मिल्लत इस्लामिया के साथ जुल्म और सितम हो रहा था, सीएनआरसी का मामला आ रहा था, अगर उस वक्त उम्मत इस्लामिया उठ के उस तरह से खड़ी हो जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। लेकिन आज चौकट है गरीब नवाज से 27 दिसंबर 2019 से सदा बुलंद हुई बातिल के खिलाफ। जब मॉब लिंचिंग हो रही थी हमें पुलिस का मुंह नहीं दिखना चाहिए था, वहीं जाके हमारे को मामला तय कर रहे हैं। वो हरामी तय नुतफा ना तहकीक सरस्वती आज भी आजाद घूम रहा है। अरे ये तो चूहे बिल्ली है, वसीम रिजवी फलान, एक पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है 7 साल की। ये किसके जमाने से शुरू हुआ भाई, किसकी हुकूमत में शुरू हुआ? कसूरवार वो है जो इनको रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, हमारे सब्र को आजमाते हैं। हमारा सब्र का पैमाना छलकने को है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द लावा सिमरिंग, वन डे इज गोइंग टू एक्सप्लोड, एक्सप्लोड मत होने दो। हिंदुस्तान हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, इसे खूबसूरत रहने दो। और एक बात तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से, गरीब नवाज की चौखट से हम सदा बुलंद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज अवलीन है। और वो फर्ज अवलीन क्यों है? क्योंकि बर्रे सगीर में अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी ने पढ़वाया तो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ने बताया। और अगर आज मिल्लत पे कोई परेशानी आती है तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार? ये तो बताओ कौन बोलेगा? हम हमेशा आगे आए। वतन परस्ती की बात करते हो, जब कारगिल का मामला आया तो सब में पहले सरवर चिश्ती ने जाके ब्लड दिया। कारगिल का मामला आया, हमारी अंजुमन मोनिया फकरिया चिश्तिया खुद्दा में ख्वाजा सैयद जादगान ने डोनेशन दिया। सुनामी आई, हमने डोनेशन दिया। चाइना वॉर आया, हमने डोनेशन दिया। अब अपनी वतन परस्ती की दुआई मत दिया करो। हमारी बाप दादाओं की कब्रें यहाँ है जो खुद बोल रही है कि हम परस्पर वतन परस्त थे। तुम्हारा तो सिर्फ जीते जी का साथ है, हमारा तो बाप मरने का भी साथ है। हमसे ज्यादा वतन परस्त कौन हो सकता है? हम तो वो है कि 72 थे उधर 22,000, यजीद था और हुसैन है। जब शहरों के नाम बदले जा रहे थे, जब रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे थे, मुगल सराय हटाया गया, अबे तो क्या रबर से हमारी हिस्ट्री बदल दोगे कि हमने 600 साल हुकूमत की है? इरेजर से आप बता दोगे? कैसे बिता दोगे? हम हाकिम थे, इस मुल्क के हुक्मरान थे, हम मखलूक नहीं है, हम सब्जेक्ट नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत रखो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है। बात इतनी सी है, डरने की दबने की जरूरत नहीं है, ना वतन परस्ती के दावे करने की जरूरत है। ये जो आरएसएस आज वतन परस्ती के दावे करती है, जब अंग्रेजों से मार का हराई हुई तो हम ही लोग आगे थे, अब ये तलवे चाट रहे थे, ये माफी ना दे बाद रहे थे। क्या बात है, बेशक ये हमसे लड़ेंगे, हमसे वतन परस्ती की बात मानेंगे। ये ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती आराम फरमा रहा है जहाँ तुम नतमस्तक होने आते हो। ये खानकाह, ये दरगाह, ये सांप्रदायिक सौहार्द की मजहबी हमांगी की कायल है। हम गंगा जमनी तहजीब के कायल हैं, हम प्यार मोहब्बत बांटते हैं, लेकिन हम करबला का सबक भी नहीं भूले और ना हम भूलने देंगे। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कभी हुजूर की शान में गुस्ताखी, कभी वो छोटा वसीम रिजवी कुरान की आयतों में बकवास करता है, कभी अमीश देखवन हरामदारी का बात करता है। अरे मेरे कौम के मुस्लिम जवान नौजवानों, हिंदुस्तान वालों, असल हरामी तो ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया जो एंकरिंग करता है और हिंदू मुसलमान लड़ाई कराता है, ये असल दुश्मन है।
गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये चंद नपुंसक बैठ के हिंदू मुसलमान का फसाद कराते हैं, लेकिन इनकी डोर किन के हाथ में है? इसके हाथ में ये डोर। और बात करने से चूकना नहीं चाहिए, अगर बात करने से चूकते हो तो कलमा पढ़ने में बड़ी देरी कर दी है तुमने, समझे ना? कलमा तो भाई, नमाजे तो लश्कर यजीद में भी हो रही थी, नमाजे तो हम हुसैन के साथ अदा करेंगे। लबैक या हुसैन, मुसलमानों सुनो, अगर खौफ से निकलना है, इज्जत से जीना है, आबरू से जीना है, तो दामने पंजतने पाप को पकड़ना होगा। दामने पंजतने पाप ही हमारी अजमत की निशानी है, हमारे वकार की निशानी है। करबला की खाक हमें आवाज देती है, करबला की सदा की निशानी है। मैं अपनी बात बात से खत्म करूंगा। दुश्मन इस्लाम के साथ साथ दुश्मन अहले बैत को भी अल्लाह तबाह और बर्बाद करे, इधर साहबों को भी अल्लाह तबाह बर्बाद करे, और वो जो मुखबिर और वो जो मुनाफिक जो यहाँ के नाम धरकर गवर्नमेंट की गोद में बैठ के सीएनआरसी एंटी मुस्लिम एजेंडा और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस की हिमायत करते हैं, हम उन पर भी लानत भेजते हैं, हम उन पर भी लानत भेजते हैं जो गवर्नमेंट के खुद्दे बतार बने हुए हैं। हम अगर हैं तो अल्लाह उसके रसूल के साथ है, और गरीब नवाज में कोई अगर दरे दौलत इस्लाम का है, हिंदुस्तान में बर सगीर में और अहले सुन्नत वल जमात का भी कोई मरकज है, तो वो अजमेर शरीफ में हुजूर बारगाह बर सगीर का इस्लामी मरकज भी गरीब नवाज का मरकज है, और अहले सुन्नत वल जमात का मरकज भी गरीब नवाज का मरकज है। खत्म नहीं हुआ भाई, यही रुकना। की तूने मोहम्मद से वफा, धर्म तेरे हैं, ये जहां और चीज है क्या, लहो कलम तेरे हैं। अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने तहबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा, हर अंबिया को अपने मुक्ति के लिए सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, शजर हजर जमीन और आसमान जिन्न बशर के लिए सूरज सितारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी मोहब्बत हमारा जुज्बे ईमान है, हम आपकी मोहब्बत हमारा ईमान है, आपकी मोहब्बत हमारी जान है। अल्लाह अपने महबूब महबूब मोहम्मद से मोहब्बत करता है और कहता है इन अल्लाह मलाइकतु यसल्लु अला नबी या अय्युहल लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम हमारी तारीख गवाह है, रसूल के आशिकानों की तारीख गवाह है। मैं क्या बयान करूं, मेरी बात क्या है, मेरे पास बात नहीं, तारीख उठा कर दे दीजिए, मैं महबूब के कैसे कैसे आशिक हो रही। अरे तारीख हमारी में छोटी मेरी तारीख नहीं है, पूरी दुनिया जानती है हमारी तारीख को, मेरे आका मौला को जानती है, मेरे आका मौला सरकार तो आलम सल्लासम कुरान मजीद कुरान हदीब आप खुद एक प्रैक्टिकल कुरान है, टेलीफोन कुरान का है ही हजूर पाक सलम आते तैयार खुद एक प्रैक्टिकल कुरान है। हजूर की तारीफ करना, अरे एक वॉल टाइम एक कांग्रेस ने एक किताब लिखी हैंडेक्स, उसे सौ दुनिया का हजीम शान शख्सियत के नाम लिखे, उसे पहला नाम मेरे आका मेरे मौला सरकार का आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उम्मत है, फरिश्ते नाश करते हैं, अंबिया भी नाश करते हैं और ये अल्लाह भी नाश करते हैं, और इंसानियत नाश करते हैं। मेरे आका रहबर इंसानियत है, मेरे आका इंसानियत के अलम प्रदार है, मेरे आका ने हमको वो सबक दिया हम किसी मजहब को बुरा नहीं कह सकते, हमें पाबंद कर दिया गया है हम किसी
किसी भी मजहब को हम बुरा भला नहीं करते, उसके सरबराह को किसी को बुरा भला नहीं करते। मेरी आका की तारीफ तक हमने लिखा है, तारीफ उठा लीजिए। हमने कहे किसी मजहब के झुकाने पर देगी, किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोले। मेरे आका का चलता है, मैं आज करना चाहता हूँ। मेरे आका मोला आश्रम की मोहब्बत यह है कि मेरे मोहब्बत, मेरी औलाद से ज्यादा मोहब्बत, तन मन धन से ज्यादा मोहब्बत, सारी दुनिया से ज्यादा मोहब्बत है तो मेरे आका मेरे मोला से। और यही हमारा ईमान है, यही हमारा मजहब है। आज बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि सरस्वती ने जो हमारे आका मोला के शान में गुस्सा की, बड़ा अफसोस की बात है। क्या वो जानता नहीं था लिखा इंसान है, कोई जाहिर नहीं है, वो इंसान को इंजीनियर कहता है। उसने हमारे आका मोला की शान को गुस्सा की। और हमारी मेरी हुकूमत से मैं इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, वो ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाएं और अरेस्ट करें, उसे सख्त सजा दें, ताकि वो और किसी मजहब को भी बुरा भला न कहे। मेरे मजहब पर बुरा हमें लगा ही है, लगता रहेगा, ये तो हमारा दूसरी ईमान है, ये हमारे को वो नहीं है। लेकिन हर मजहब पर, किसी भी मजहब पर कोई उठाना, ये गुस्ताखी करना, ये हमारे आइन के खिलाफ है, हमारे मुल्क की शान के खिलाफ है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है छुपाना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा, ये हमारा गुलशिता है, ये हमारा गुलशिता है। यहाँ औलिया अल्लाह है, यह अर्शी नूर है, यह ख्वाजा आजम, ख्वाजा खानदान, ख्वाजा मौलवी, नायब नबी, अताए रसूल सुल्तान सरीनाथ का दरबार है। जहाँ इसी प्रकार पर हम हर मजहब का जो लुत्फ निकलता है उसका हम खैर मकदम करते हैं। और हमारी तारीख तो उठाइए, हमारे तक की शुरू देखिए, यहाँ इसी जगह से, चाहे वो महावीर जयंती हो, चाहे वो जो भी मजहब की जो भी यहाँ से दिल्ली करते, सबका मैं एहतराम करते। ये गरीब दरबार